नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि पंचकुला में 191 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, वहीं एक मरीज की इससे मृत्यु भी हुई है। पंचकुला में देर रात से अब तक 191 नए कोरोना के मामले सामने आए। पंचकुला स्थित सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल से डॉक्टर सरोज अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की है। पंचकुला में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। जानकारी देते हुए डॉक्टर सरोज अग्रवाल ने बताया कि पंचकुला के एक निजी अस्पताल में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है, जबकि कोरोना पॉजिटिव मामलों में आज पंचकुला के 191 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 161 कोरोना संक्रमित मरीज एंटीजन टेस्ट के तहत पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 30 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट के तहत पॉजिटिव आई है। डॉक्टर सरोज अग्रवाल ने बताया कि ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज वो सामने आ रहे हैं जो कोरोना ग्रस्त मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा इन सभी कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग जुट गया। कल शाम से 4 बजे के बाद हमारी टीम लिस्ट आई है और उसमें टोटल मिला के 30 जो है वो कोविड के पॉजिटिव आए हैं और इनको हमने आइसोलेट करने की जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया है और ऑलमोस्ट सबको हमने कर भी लिया आइसोलेट। कल रात से हमारे एक डेथ हुई है, 75 इयर्स के थे और उनकी डेथ हुई है और प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। ऐसा है कि जो हमारा एंटीजन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है रैट वो हमने कल किए, हमारे 19 सेंटरों पे रैट टेस्ट हो रहा है और लगभग हमारे जो है 935 टेस्ट कल हमारे किए गए थे रैट के और उनकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर 161 जो है वो पॉजिटिव आए हैं और उनको सबको भी हमने आइसोलेट कर लिया गया है। आज की जो रिपोर्ट है वो भी आज 3 बजे तक या 4 बजे तक आएगी क्योंकि वो फील्ड से रिपोर्ट आनी होती है, पर वो जो हमारा फील्ड है उनको पावर्स डिसेंट्रलाइज कर दी गई हैं और फील्ड में जो हमारे SMOs हैं और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वही उन केसेस के ऊपर संज्ञान लेके उनको आइसोलेट करने की जो प्रक्रिया है वो अब आजकल हमारे फील्ड से ही शुरू हो गई है। पहले हम अपने जिला लेवल से कर रहे थे, अभी हमने अपने SMO जो हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी ये पावर्स दे दिए हैं कि वो जो भी केसेस उनके एरिया में पॉजिटिव आ रहे हैं उनको वो खुद उनको पहले असेस करें और जो भी अगर उनको घर में भेजना है होम आइसोलेट करना है तो होम आइसोलेट करें, अगर उनको कोविड केयर सेंटर में भेजना है तो उनको कोविड केयर सेंटर में भेजें और हमारे को जिला के ऊपर उसकी पूरी लिस्ट बना के हमें उसके बारे में बताएं ताकि हम उनको जिला स्तर से भी देख सकें, उनको हम मॉनिटर कर सकें। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें और अपनी फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें।